हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज हम थोड़े डिफरेंट अवतार में दिख रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए आसपास का नजारा। जानबूझ के सिग्नल खाया था कि यहाँ पे हम 5 मिनट वेस्ट करें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, टुडे इज सैटरडे एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हम थोड़े डिफरेंट अवतार में दिख रहे हैं। आज हम फ्लरी और कियारा को लेके जा रहे हैं ग्रूमिंग करवाने। कोविड सिचुएशन होने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग आउटसाइड फॉर ग्रूमिंग। 5-6 मंथ से हम घर पे ही ट्रिम कर रहे थे, जैसे आपने देखा जितना हमसे हो सका हमने किया। तो जहाँ पे हम जाते हैं, जिसके बारे में मैं पहले व्लॉग बना भी चुकी हूँ, शेवर्स इन कोरमंगला, हम वहीं पे लेके जा रहे हैं। वी हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट एट 12 o'clock, बट आज प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं वेट नहीं कर पाएंगे। जनरली हम कहीं खाना खाते हैं, घूमते हैं, मॉल में जाते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटा तो लग ही जाता है। आज क्या करेंगे, हाँ तो हम वापस आ जाएंगे, 2-2.5 घंटा होगा, और क्योंकि अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आने जाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो वापस आएंगे, घर पे आके लंच करेंगे, फिर जाएंगे दोनों को पिकअप करने, है ना बाबू? हाँ क्यों बाबू? तो जैसे कि आप फ्लरी को देख सकते हो, 5 साल से वो कार में ट्रेवल कर रही है, और फ्लरी ने इतने सारे जगह घुमा है, कहाँ नहीं गई है, वायनाड, कूर्ग, पांडिचेरी, मैसूर, हर जगह घूम लिया है फ्लरी ने। इसी कार में, दूसरे कार में भी नहीं, इसी कार में। और कहाँ हम पिकनिक गए थे, चिकमगलूर के पास, वहाँ पे भी। इतने सारे जगह घूमने के बाद भी फ्लरी कार पे ऐसे ही बैठती है, डर रहता है कि वो स्लिप करके गिर जाएगी। मैं पीछे बैठती हूँ तो मेरे गोदी में चढ़ के विंडो से देखती है, वरना ऐसे बैठती है। जब कार रुक जाता है सिग्नल पे, तब फटाक से विंडो पे चढ़ेगी। तो इसलिए मुझे लगा आज एक व्लॉग बनाती हूँ, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को काम आ जाएगा। बहुत दिन हमें वही अपार्टमेंट के अंदर देख देख के आप शायद थक चुके होंगे, तो आज हमारे साथ आप लोग भी थोड़ा सा बैंगलोर का रोड देख लीजिए, थोड़ा इंजॉय कर लीजिए आसपास का नज़ारा, और उसके साथ देखते हैं हमारी क्यूटी पाइस ग्रूमिंग के बाद कैसे लगते हैं। Used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again, driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul, I'm driving to get away. पहुंच गए हम, और सब कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीन लग रहा है, शायद सब कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीन हो भी गया है, पॉल्यूशन कम हो गया है, तो पेड़ पौधे एकदम अपने अपने रंग पे वापस आ गए हैं। ऐसे गए जी हम, यहाँ दोनों समझ भी गए कि अभी हम उतरने वाले हैं, बट फ्लरी डजंट लाइक गोइंग फॉर हर ग्रूमिंग, वो आपको दिखेगा, वो भाग जाती है। कहाँ पे है ये मेरी क्यूक्यू एंड फ्लरी फ्लरी? It's okay, you can sit down. When it's needed, we'll take you out. Okay. क्यूची पाय? Running through emotions, high and low, holding on or letting go, I'm fighting. क्यों बोलो ना अंकल, क्यों? Looking round and cute, but keenly playing. Come, Mama. Why are you angry? It's okay. Come, baby. Now it's your turn, no? It's okay. फ्लरी का ना मैं इधर कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाया, यहाँ पे बहुत सारा बाल है, बट यू विल हैव टू सी हाउ यू वांट टू डू इट। राउंड फेस और नो? राउंड नो, राउंड फेस, नॉट फुली लाइक यू। और इन दोनों के ही कान थोड़ा क्लीन होना पड़ेगा,
ग्लैंड वो सब मैं नहीं कर पाया. सो दिस इज शेवर्स वेयर वी कम नॉर्मली एंड दिस इज लाइक आवर रेगुलर प्लेस वेयर वी नॉर्मली प्रेफर टू कम बिकॉज मतलब फ्लरी का फर्स्ट ग्रूमिंग भी यहीं पे हुआ था और तब से अब तक 5 years से हम यहीं पे आ रहे हैं. अभी टाइम हो रहा है 12:10 और वरुण ने हमें कहा है 2:30 को पिकअप करने के लिए. तो हम जा रहे हैं घर, फिर खाना वाना खा के वापस आ जाएंगे और आपको भी साथ में लेके आएंगे. चलिए हेलो. तो सुबह से इतने सारे चीज़ों को लेके बिजी थी मैं, आप लोगों को विश करना भूल गई. हैप्पी गणेश चतुर्थी. आज है गणेश चतुर्थी. जिन जिन के घर में पूजा हो रहा है सब लोग अच्छे से एंजॉय करो सेफली, जितना हो सके अपना सेफ्टी प्रिकॉशन लेके फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए. इस 2020 का एक एक फेस्टिवल ऐसे ही जा रहे हैं, फिर भी जितना हो सके एंजॉय करो. और क्या क्या बन रहा है घर पे, जिनके घर पे गणेश पूजा हो रहा है प्लीज़ बताना. मुझे पता है गणेश पूजा में बहुत अच्छे अच्छे मिठाई बनते हैं घर पे, तो वो प्लीज़ मुझे बताना. और हो सके तो इंस्टा में फोटोज भी. यहाँ पे बीबीएमपी का फ्री कोविड टेस्ट हो रहा है. अच्छा. और अभी हम जा रहे हैं फ्लरी कियारा को पिकअप करने. इट्स 2:00 राइट नाउ और 2:30 को हमें बोला है, बट हमें लग रहा है हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. रास्ता पूरा खाली है. सैटरडे को जिस रास्ते से हम जा रहे हैं BTM, ये इतना खाली और कोरमंगला हम पहुंच रहे हैं, मतलब आधा घंटा भी नहीं लग रहा है, हम सोच भी नहीं सकते. एनीवेज आदत से मजबूर हम जल्दी जल्दी निकल पड़े हैं. तो चलिए देखते हैं कैसी लग रही है मेरी गुड़िया. और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. गुड़िया नहीं, गुड़ियाज. गुड़ियाज कैसे लग रहे हैं मेरे गुड़ियाज. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इतने महीनों के बाद दोनों गए हैं ग्रूमिंग में. मैं ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या करोगे. बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि मैं 30-40 में कार चला रहा हूँ. दीपांजन इतना बदमाश है कि इतना, ताकि हम जल्दी ना पहुंच जाए वहाँ पे, हमें कार में बैठ के ना रहना पड़े, वो इतना स्लोली ड्राइव कर रहे हैं कि पीछे के बाइक जितने भी 2-wheelers है 4-wheelers है सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. ऑटो वाले भी फ्रस्ट्रेट हो गए. मत करो ऐसे, पकड़ के मारेंगे. अभी तो सिग्नल है, रेड है. अच्छा, अभी जानबूझ के सिग्नल खाया था कि यहाँ पे हम 5 मिनट वेस्ट करें. ये आ गए दोनों. बाद में सब दिखाते हैं, पहले इन दोनों को बिठाते हैं. हाँ, तुम भी अंदर चले जाओ. फ्लरी इज कमिंग. फ्लरी को बस वहाँ से निकलना था. ऐसा लगा मामा, बट हेयर कट अच्छा हुआ है. बहुत ही अच्छा, बहुत क्यूट लग रही है. बाल सब कुछ बहुत. और घर पे करने में इतनी मेहनत और टाइम लगते हैं ना. नीड्स प्रॉपर स्टडीइंग एंड ऑल दैट. मैं तो बस किसी भी तरह से काट के छोटा कर देता था बाल. नहीं, बट उसी के लिए हमारा काम तो इतने दिन से अच्छे से चला है ना, तो ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब दीपांजन. बट हाँ, प्रोफेशनल्स आर प्रोफेशनल्स. वो हम जैसे सिर्फ बाल छोटा कर देते हैं, बट वो अच्छे से शेप करके अच्छे से एकदम हर जगह सिमिलर वे पे करते हैं. बॉडी के हर पार्ट में सेम लेंथ ऑफ हेयर रहता है. क्या बाबू, नीट एंड क्लीन. मेरे फ्लरी के आगे कितने बड़ा वजह से लग रहे हैं ना. आगे दुनिया अच्छे से दिख रहे हैं मम्मा. पिंकी बुढ़े, पिंकी पिंकी, क्यू पिंकी. तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ दोनों के लिए दिखाती हूँ. तो इस बैग में मैं लाई हूँ टिश्यू, अगर ज़रूरत पड़े तो वेट वाइप्स, बट अंदर बहुत ही नीट एंड क्लीन है. दे आर मेंटेनिंग ऑल द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ इसलिए. पानी के लिए बॉल लाई हूँ और दोनों के लिए लाई हूँ ट्रिटी. वाटर वाटर नहीं पीना है, दोनों में से किसी को नहीं पीना है. अब मैं कहाँ फेंकूँ, ये हो गया मुश्किल. पे मैं लाई हूँ दोनों के फेवरेट ट्रिटीज. देखते हैं कि लेते हैं कि नहीं. अभी मामा ट्रिटू नाउ नाउ. फ्लरी नहीं गाएगी. नो, दोनों में से किसी को भी नहीं चाहिए. चाहिए चाहिए मामा ट्रिटी चाहिए. तो छोटा करके दू, छोटा छोटा के पीसेस करके दू. ओके, छोटा ट्रिटी नाउ. देखो छोटा छोटा, तुम नहीं गिरोगी. खाओ ना छोटो. तो दोनों में से कोई भी फिलहाल ट्रीट या पानी पीने के लिए
इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इतने महीनों के बाद दोनों आए थे तो उनको भी थोड़ा अलग लगा है ना, दोनों थोड़े शॉक में भी है कि मम्मी पापा इतने देर अकेले छोड़ के चले गए थे। घर जाके खाएंगे चीचे के बुरे, चीचे मम्मी पे बुरे। घर आके जैसे जान में जान आई दोनों के, यहाँ पे आके अभी ट्रिटी खा रहे हैं। मिल गया ट्रिटी क्यू को, मामा और एक ट्रिटी चाहिए, और एक चाहिए। गुड गर्ल। क्यू को छोटा सा मिलेगा क्योंकि क्यू का ऑलरेडी दो हो गया है घर आने के बाद। गुड गर्ल। कान के अंदर बिल्कुल क्लीन किया है, कोई हेयर कुछ भी नहीं है। और फ्लारी के कान के अंदर बहुत ज्यादा था which was not good, और मैंने कोशिश किया था but I was not वो करने भी नहीं देती है हमें। हाँ। और कियारा का, कियारा ठीक है, कियारा दिखा। कियारा दो दिन पहले नाखून ले गए, अभी बाल ले गए उसके। हाँ बेचारी, दो दिन पहले एक नाखून जला गया, अभी बाल जला गया, अब क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि शर्ट ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ए? 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 बाबा जी किसी किसी क्यों, ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्यों, ये किसी नहीं था, ये किसी नहीं था, ठीक है, किसी के नाम पे ये सही नहीं है, सिर्फ किसी, किसी? क्यों किसी, क्यों किसी। हाँ गुड गॉड। तो हम लोग भी चेंज करके फ्रेश हो गए हैं, और आज क्योंकि हम सुबह निकलने वाले थे और निकलने के दो घंटा पहले इन लोगों ने अपना सुबह का पहला मील खाया है, तो दीपांजन ने इनको थोड़ा कम दिया था खाना, जो नॉर्मली देते हैं उससे क्वांटिटी थोड़ा कम दिया था, ताकि कार में ट्रैवल करने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो कोशिश करो उस ट्रैवल करने से जितना पहले हो सके खाना खिला देने के लिए, और क्वांटिटी थोड़ा कम देने के लिए। थोड़ा सा कम खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग के टाइम वो एक वॉमिटिंग का टेंडेंसी रहता है दोनों का। कुछ सही से रहा, ग्रूमिंग हो गया, अभी हम घर आ गए, अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे, और ज़रूर बताना हमारी फ्लरी और क्यू कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत दिखा, इधर आ जा, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत जैसे किसी का डरा किसी वहाँ हाय कोई जो किसी ये जो किसी मामा ग्रंपी बेबी, मैं ग्रंपी बेबी। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, और आई होप आपको आज का ये व्लॉग जो थोड़ा सा अलग था अच्छा लगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप में से किसी को भी ग्रूमिंग पार्लर के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहिए तो जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम में पिंग कीजिएगा, डीएम करोगे तो मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी। अगर किसी को जाना है बैंगलोर पेट पेरेंट्स जिनको अच्छे ग्रूमिंग पार्लर का पता नहीं है, और मेरे चैनल पर एक डिटेल वीडियो भी है शेवर्स के बारे में जहाँ पर हमने पूरा उनका प्रोसेस शेयर किया था कि वो लोग एकदम शुरू से ले कर एंड तक स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रूमिंग करते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और उसके बाद आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं तो हुई, जिनको जो जानना है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो टेक केयर गाइज, यू ऑल स्टे हैप्पी स्टे सेफ, एक बार फिर से हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी फ्रॉम मम्मी एंड फ्लरी टेल फैमिली, बाय बाय।